डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। आज हम नाइन्थ क्लास की साइंस की एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो लास्ट पार्ट है या फिर जो फोर्थ पार्ट है वो हम डिस्कस करेंगे। और इससे प्रीवियस पार्ट्स में हमने जो एनिमल किंगडम है उसको स्टार्ट किया था और उसके जो मैक्सिमम फाइलम है वो हमने डिस्कस कर लिए थे। इस पार्ट में मेनली हम एक सिंगल फाइलम कोरडेटा ही डिस्कस करेंगे जो कि सबसे एडवांस फाइलम माना जाता है और उसकी काफ़ी सारी क्लासेज आएंगी। मेनली 7 क्लासेज हैं वो हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फाइलम कोरडेटा। एक्सक्लूसिवली मैरिन प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, ए डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड एंड पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। तो जो कोरडेटा फाइलम के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मेनली खारे पानी में पाए जाते हैं, टेरिस्ट्रियल भी पाए जाते हैं, लेकिन यदि वाटर में रहते हैं तो वो मैराइन वाटर में मिलेंगे। नोटोकॉर्ड उनके अंदर प्रेजेंस होती है, इसी की वजह से इनको कोरोडेटा बोला जाता है। नोटोकॉर्ड क्या होता है, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है इनकी बॉडी के अंदर जो कि बाद में वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। मेनली बॉडी को कंट्रोल करने का काम ही नोटोकॉर्ड है वो भी करती है। साथ में इनके एक नर्व कॉर्ड भी प्रेजेंट होती है, होलो का मतलब खोखली होती है जो अंदर से। पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, इनके फेरेंक्स रीजन में, फेरेंक्स जो एक कॉमन चैम्बर होता है बकल कैविटी के बाद जो आता है उसमें, जो गलफड़ों के छिद्र पाए जाते हैं, स्लिट्स का मतलब पोर्स हम बोल सकते हैं। बायलेटरल सिमेट्रिकल, इसकी भी जो सिमेट्री है वो बायलेटरल पाई जाती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, सिलोमेट्स हैं और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें मिलता है जो हमने पहले भी डिस्कस किए हैं, जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल भागों में बांट सके उसको बायलेटरल सिमेट्री बोलते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक में जो ऑर्गेनिज्म जब उसकी डेवलपमेंटल स्टेज होती हैं, जब जाइगोट से वो बनता है तो 3 जर्म लेयर उसमें बनती हैं, उसी से सारे जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं वो डेवलप होते हैं। सिलोमेट्स एक बॉडी कैविटी होती है, खाली जगह होती है जिसमें जो लंग्स हैं या फिर जो किडनी है जैसे हमारे शरीर में वो प्रेजेंट होते हैं। तो एक एलिमेंट्री कैनाल और स्किन के बीच में हमारे शरीर में जो भी एक कैविटी है, खाली जगह है, उसको सिलोम बोलते हैं और ये सिलोमेट्स एनिमल में आते हैं जिनके पास ये सिलोम पाई जाती है। ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं जो डिवीजन ऑफ लेबर करते हैं, मतलब काम का बंटवारा किया जाता है। रेस्पिरेशन का काम रेस्पिरेटरी सिस्टम देखते हैं, डाइजेशन का काम डाइजेस्टिव सिस्टम देखता है। तो डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं। पोसेस ए पोस्ट एनल टेल, एनल रीजन के बाद में एक टेल भी पाई जाती है। और इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो भी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज्ड होता है, क्योंकि जितना ही ब्लड है वो ब्लड वेसल्स में से ही फ्लो होता है। डिवाइडेड इंटू 3 सफाइला, जो कोरडेटा है इसको आगे 3 भागों में बांटा गया है। यूरोकोरडेट जिसको ट्यूनिकेटा बोलते हैं, सिफेलोकोरडेट एंड वर्टिब्रेट्स। जो प्रोटोकोरडेट्स हैं ये पूछ ले जाते हैं क्या होते हैं, इसमें यूरोकोरडेट और सिफेलोकोरडेट दोनों को मिलके ही प्रोटोकोरडेट, प्रोटो मतलब पहले वाले कोरडेट्स होते हैं। जो यूरोकोरडेट हैं इनके अंदर जो नोटोकॉर्ड है वो केवल लार्वा के अंदर ही पाई जाती है, जो लार्वल स्टेज है उसकी टेल में मिलती है, जबकि सिफेलोकोरडेट में जो नोटोकॉर्ड होती है वो टेल रीजन के अलावा हेड रीजन तक भी पाई जाती है और वो पूरी जिंदगी भर तक रहती है। ये नहीं है कि केवल लार्वा में मिलेगी, अडल्ट में वो प्रेजेंट नहीं है, हर जगह वो मिलती है सिफेलोकोरडेट्स में। तो मेन बात यहाँ पे नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस की गई है। एग्जाम्पल है यूरोकोरडेट में आ जाता है एस्किडिया, जो ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है एस्किडिया है। उसके बाद सेल्पा है जो एक प्रकार की फिश होती है, ट्रांसपेरेंट फिश। और उसके बाद डोलियोम है, ये एक शंख जैसी स्ट्रक्चर होती है। और सिफेलोकोरडेट में ब्रैंकियोस्टोमा है, इसमें ये एम्फीएक्सिस है और एक लैंसलेट है। तो ये स्ट्रक्चर जो अलग अलग आपको ऑर्गेनिज्म दिखाई दे रहे हैं ये हमारे यूरोकोरडेट्स एंड सिफेलोकोरडेट्स में आते हैं, जबकि जो वर्टिब्रेटा है उसके बारे में हम डिफरेंट डिफरेंट क्लासेज हैं वो डिस्कस करेंगे, जो 7 क्लासेज आएंगी। और सबसे पहली क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। तो साइक्लोस्टोमेटा में जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो मैराइन आते हैं, खारे पानी में रहते हैं, लेकिन स्पानिंग के लिए मतलब एग लेइंग के लिए जब इनको अंडे वगैरह देने होते हैं, ब्रीडिंग करनी होती है, तो ये फ्रेश वाटर में चली जाते हैं।
एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेज, कुछ मछलियों पे ये बाहर एक परजीवी के रूप में रहते हैं, उनसे खाना पानी है वो लेते रहते हैं। एलोंगेटेड बॉडी, इनका जो शरीर है वो लंबा होता है और 6 से 15 पेयर्स के गिल स्लिट्स मतलब गलफड़ों के छिद्र इनके शरीर पे पाए जाते हैं जो कि सांस लेने में मदद करते हैं। सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जा, इनके मुंह में जबड़ा प्रेजेंट नहीं होता इसलिए इनको जालेस वर्टिब्रेट्स भी बोलते हैं। स्किंग का मतलब होता है चूसने वाले, इनके पास माउथ होते हैं। और सर्कुलर का मतलब मेनली गोलाकार स्ट्रक्चर पाई जाती है माउथ की। बॉडी डिवॉइड ऑफ स्केल, इनकी बॉडी पे स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते जैसे मछलियों में पाए जाते हैं। और फिन भी इनके पास पेयर्ड नहीं होते, अनपेयर्ड फिन होते हैं, फिन कहीं कहीं सिंगल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। डिवॉइड का मतलब सेंस होना। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस, क्रेनियम जो ब्रेन बॉक्स होता है स्कल जैसे खोपड़ी होती है इंसान में, और जो वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी है वो इनमें हड्डियों की नहीं होती, वो कार्टिलेज की बनी होती है। कार्टिलेज एक नरम स्ट्रक्चर होती है जो कि शेप वगैरह ढांचे वगैरह का काम करती हैं। सर्कुलेशन इज ऑफ क्लोज्ड टाइप, जो इनका ब्लड है वो ब्लड वेसल्स में से पास होता है इसलिए इसको क्लोज्ड टाइप सर्कुलेशन बोलते हैं। स्पानिंग के बाद ये मर जाती हैं, डाई हो जाती हैं विद इन ए फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में। लार्वा आफ्टर मेटामोरफोसिस रिटर्न टू द ओशंस, जो लार्वा बनता है इनका पहले जो स्टेज होती है एग से जो बाहर निकलता है लार्वा, वो मेटामोरफोसिस क्या होते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं जिसमें बॉडी पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाती है। लार्वा कुछ अलग दिखाई देता है लेकिन जब ये अडल्ट बनती हैं तो टोटली डिफरेंट होती हैं। और उसी प्रोसेस को जब ये कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होता है किसी भी जीव का, टोटली बदल जाता है वो, तो उसको मेटामोरफोसिस बोलते हैं। और मेटामोरफोसिस के बाद वो वापस समुद्रों में लौट जाता है जो उसका मेन हैबिटेट होता है। एग्जाम्पल आते हैं इसके पेट्रोमाइजन जिसको लैम्प्रे बोलते हैं, और इसमें हम देख सकते हैं कुछ छिद्र प्रेजेंट होते हैं आंख के पीछे, ये इसकी गिल स्लिट्स होती हैं, 6 से 15 पेयर्स में, पेयर मतलब इस साइड में भी और दूसरी साइड में भी मिलते हैं। और उसके बाद मैगजीन, इसको हैक फिश बोलते हैं, और इस प्रकार की ये स्ट्रक्चर इसके अंदर ये पाई जाती है। स्नेक टाइप स्ट्रक्चर होती है लेकिन ये साइक्लोस्टोमेटा होती हैं, फिश जैसी होती हैं लेकिन फिश नहीं है क्योंकि फिश को हम अलग क्लासेज में पढ़ेंगे। और जो सबसे पहले फिशिज हैं वो कॉन्ड्रियोस्थीसिस होता है जिसको कार्टिलेजनस फिश बोलते हैं। इनके अंदर जो भी एंडोस्केल्टन होता है वो कार्टिलेज का बना होता है। ये फिशिज मैराइन होती हैं, खारे पानी में पाई जाती हैं, प्रेडेसेस शिकार करके खाती हैं। कोल्ड ब्लडेड का मतलब है जो ये अपना बॉडी टेम्परेचर है वो बाहर के वातावरण के अनुसार चेंज कर सकती है। ह्यूमंस वार्म ब्लडेड में आते हैं क्योंकि उनका बॉडी टेम्परेचर फिक्स पाया जाता है, लेकिन कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को पोइकोलियोथर्मिस बोलते हैं, और ये साइंटिफिक नेम है पोइकिलोथर्मस, और ये अपना बॉडी टेम्परेचर है वो चेंज कर सकते हैं बाहर के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। विद स्ट्रीमलाइंड बॉडी, इनकी धारीदार शरीर होता है ताकि जो वाटर में जब इनको मूव करना है तो फ्रिक्शन को कम किया जा सके, जो ड्रैग होता है खासकर उसको कम किया जा सके, जो वाटर की वजह से जो फ्रिक्शन लगता है उसको ड्रैग बोला जाता है। विद कार्टिलेजनस एंडोस्केल्टन, जो उसका अंदर का कंकाल होता है वो हड्डियों का नहीं होता, वो मेनली एंड कार्टिलेज का ही बना होता है। माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, जो माउथ है इसका वो अर्थ की तरफ प्रेजेंट होता है एंटीरियर रीजन में, जो सबसे आगे वाला भाग होता है उसको एंटीरियर रीजन बोलते हैं। नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, और नोटोकॉर्ड है ये जितने भी जीव हम पढ़ेंगे पूरी जिंदगी तक इनके पास पाई जाती है। गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड विदाउट अपर कुलम, इनके पास गिल स्लिट्स हैं वो अलग अलग पाई जाती हैं, छिद्र जो सांस लेने में मदद करते हैं। और इनके पास अपर कोलम नहीं होता, अपर कोलम क्या होता है, गिल्स को ढकने वाला एक कवर होता है, गिल कवर जिसको बोला जाता है। स्किन इज टफ, जो इनकी त्वचा है वो बड़ी मजबूत होती है। और माइन्यूट प्लैकोइड स्केल, यहाँ पे स्केल मिलते हैं जो इनकी बॉडी को चिकना बनाते हैं। बैकवर्डली डायरेक्टेड टीथ, इनके दांत है जो पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं, और किसके बने होते हैं, वो प्लैकोइड स्केल के ही बने होते हैं। विद पावरफुल जा, इनके जबड़े हैं वो बड़े मजबूत होते हैं। ड्यू टू अब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, एयर ब्लैडर इनके पास नहीं होता जिसके अंदर हवा भरी रहती है, वो हम जो बोनी फिशीज हैं इससे अगली जो स्लाइड है उसमें देखेंगे। और उसकी अब्सेंस की वजह से इनको लगातार तैरते रहना पड़ता है ताकि ये ना डूब पाए, अवॉइड सिंकिंग। सिंकिंग का मतलब क्या होता है, वैसे तो ये पानी में ही रहती हैं लेकिन डूबने का मतलब ये है कि इनका जो एक लेवल है वाटर के अंदर तैरने का वो फिक्स होता है, जैसे जैसे ये गहराई में चलती जाएंगी तो प्रेशर इनके ऊपर ज़्यादा डेवलप होता रहेगा जिसकी वजह से ये उस प्रेशर में रहने लायक नहीं बनी होती। तो इनको एक लेवल पे तैरते रहने के लिए, ताकि ये उस जो डीपर लेवल है उसमें ना चले जाए समुद्र में, तो उसके लिए इनको लगातार तैरना पड़ता है।
क्योंकि इनके पास एयर ब्लैडर, क्योंकि हवा, जब एयर ब्लैडर में हम डिस्कस करेंगे, जब उसमें हवा भर जाती है तो उसको बायोएंसी प्रोवाइड करता है जो उनको डूबने से बचाता है, जो बोनिफिशीज है उनमें डिस्कस करेंगे। हार्ट इनमें टू चैम्बर्ड होता है, हार्ट के मेनली चैम्बर हम डिस्कस करते जाएंगे, जैसे एक के बाद एक आएंगे। तो ये टू चैम्बर्ड हार्ट फीसीज में पाया जाता है, जिसमें एक ओरिकल होता है एक वेंट्रिकल होता है। जो हार्ट के बारे में चैम्बर्स हैं, जो 10th क्लास में ज़्यादा डिटेल में आते हैं लाइव प्रोसेसिज वाले चैप्टर में। सम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन, कुछ के पास करंट वाले अंग भी होते हैं, जैसे टोरपिडो है, ये करंट होता है इसके अंदर, जो मछली है ये करंट लगा देती है। वहील सम पोसेस पॉइजन स्टिंग, कुछ के पास जहरीले डंक भी होते हैं, जैसे ट्राइगन फिश होती है। सेक्सेज आर सेपरेट, जिनके सेक्स ऑर्गन हैं वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं, मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म इनमें सेपरेट पाए जाते हैं। मेल के अंदर जो पेल्विक फिन होते हैं, जो एब्डोमिन पेट से नीचे वाला रीजन होता है, उसमें कुछ फिन पाए जाते हैं और वहाँ पे क्लैस्पर होते हैं, और ये क्लैस्पर इनको कोपुलेशन में मदद करते हैं। जब भी ये गैमेट ट्रांसफर करते हैं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, तो उस टाइम मदद करते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाई जाती है, जो निषेचन है, गैमेट्स का फ्यूजन है, वो बॉडी के अंदर होता है, और इनमें से ज़्यादातर वीविपेरस होते हैं, मतलब ये यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, अंडे नहीं देते, जो जन्म नए जन्मे बच्चे हैं वो डायरेक्ट पैदा करते हैं। एग्जाम्पल है इनके, सबसे पहला जो हमने इलेक्ट्रिक रे डिस्कस किया था वो टोरपीडो मछली होती है, और ट्राइगन ये होती हैं जिसमें स्टिंग रे पाया जाता है, पॉइजनस स्टिंग होता है, डंक लगाती हैं तो काफ़ी जहरीला डंक होता है इनका। स्कोलिडियन ये डॉग फिश होती है। प्रेस्टिस ये जाफिस साफिस होती है, आरा मछली बोलते हैं, जैसे इसका जो आगे वाला भाग होता है माउथ का, उसमें काफ़ी सारे जो दांत हैं वो बाहर की तरफ रहते हैं, और जो सा होता है आरा, जिससे पेड़ों की कटाई की जाती है, उसी स्ट्रक्चर से मैच करता है। और जो कार्केडियन है सार्क, जो सबसे ज़्यादा भयानक मछली होती है, और ग्रेट वाइट सार्क भी एक कार्टिलेजनस फिश ही है, फिर भी इसका जबड़ा बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। तो जरूरी नहीं है कि कार्टिलेज बहुत नरम स्ट्रक्चर होती हैं, बड़े मजबूत भी होती हैं। उसके बाद क्लास ओस्टियोसिस, जिसको बोनी फिशिज बोलते हैं, और इसमें बोनी फिशिज आ जाती हैं सारी, और ये बोनी फिशिज हैं जो मैराइन वाटर में मिलती हैं और फ्रेश वाटर में भी पाई जाती हैं, खारे पानी में भी और ताज़े पानी में भी मिलती हैं। ताज़ा पानी मतलब जो रिवर्स है, नदियां हैं, झील हैं, उनमें मिल सकती हैं। ये भी कोल्ड ब्लडेड फिश होती हैं, लेकिन इनका जो एंडोस्केलेटन है वो हड्डियों का बना होता है, बॉडी इनकी भी धारीदार होती है, क्योंकि ये भी मछलियाँ ही हैं, और वाटर ड्रैग को कम करने के लिए धारीदार शरीर होता है। माउथ है इनका टर्मिनल होता है, जैसे पीछे हमने पढ़ा था वेंट्रल साइड में था इनके, बिल्कुल टिप रीजन पे होता है। फोर पेयर ऑफ गिल्स, गिल्स के चार जोड़े पाए जाते हैं, जिनके ऊपर अपर कुलम भी पाया जाता है, जैसे पीछे हमने देखा था अपर कुलम अब्सेंट था, यहाँ पे अपर कुलम पाया जाते हैं। स्किन है वो साइक्लोइड या टिनोइड स्केल से ढकी होती है, जैसे हमने पीछे पढ़ा था वो प्लैकोइड स्केल थे। स्केल के अलग अलग टाइप होते हैं ये, जो इसकी बॉडी को चिकना बनाते हैं। एयर ब्लैडर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये अपनी बायोएंसी है, मतलब जो एक प्रकार से तैरने का जो लेवल है समुद्र के अंदर, उसको कम या ज़्यादा कर सकती है। टू चैम्बर्ड हर्ट, इसके अंदर भी हर्ट दो चैम्बर पाए जाते हैं, वन ओरिकल एंड वन वेंट्रिकल। सेक्सेज इसमें सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म अलग अलग पाए जाते हैं। फर्टिलाइजेशन यहाँ पे एक्सटर्नल है, और ओविपेरस है, जैसे हमने पीछे ओविपेरस पढ़ा था, यहाँ पे एग लेइंग करते हैं, ये अंडे देते हैं, और डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट होता है, इसमें कोई भी लार्वा वगैरह है वो नहीं बनता। तो एग्जाम्पल देखते हैं, मैराइन फॉर्म होती हैं, जो उसमें सबसे पहले एक्जोक्योटस फ्लाइंग फिश आ जाती है, जैसे देख सकते हैं ये पंख जैसे होते हैं इसके फिन, और नीचे उड़ती भी है। उसके बाद है हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स, जिसको बोला जाता है क्योंकि इसका जो माउथ है वो हॉर्स जैसा होता है। फ्रेश वाटर में लेबियो, जो कि एडिबल होती हैं, खाने के लिए भी यूज की जाती हैं, लेबियो रोहू मछली बोला जाता है इसको। एक कैटला फिश है, इनके जो माउथ हम देख सकते हैं टर्मिनल होते हैं, बिल्कुल टिप पे प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है क्लैरिस, जिसको मैगूर मछली बोला जाता है, ये सारी फूड के लिए, फूड सोर्स के रूप में भी यूज की जाती है। उसके बाद एक्वेरियम में जो हम घर में यूज करते हैं वाटर, एक कंटेनर में रखते हैं, उसमें मछलियाँ पालते हैं, तो उसमें बेटा मछली आ जाती है, जिसको फाइटिंग फिश बोलते हैं, और एंजल फिशीज भी आ जाती हैं, जिसमें टैरोफाइलम, जिसको एंजल फिश बोला जाता है। तो ये एंजल फिश है, जो थोड़ी सजावटी में जो ब्यूटीफुल सी दिखाई दे रही है, और जबकि ये जो नीचे वाला डायग्राम है ये
फाइटिंग फिश का है, ये लड़ने वाली मछलियाँ होती हैं, काफ़ी अग्रेसिव नेचर इनका पाया जाता है, झगड़ालू टाइप की होती हैं ये। उसके बाद है क्लास एम्फीबिया। एम्फीबिया मतलब ड्यूल हैबिटेट इनका पाया जाता है, दो जगह पे रह सकते हैं, एक्वेटिक एज वेल एज टेरिस्ट्रियल हैबिटेट्स। तो इनके जो जीव हैं वो मेनली पानी में तो रहते ही हैं, साथ में स्थल पे भी मिलते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, ठंडे रक्त वाले इनको एनिमल बोला जाता है, क्योंकि इनका भी बॉडी टेम्परेचर ये कम ज़्यादा कर सकते हैं। पोइकिलोथर्मस हैं विद टू पेयर ऑफ लिम्स, इनके दो जोड़े लिम्स पाए जाते हैं, हाथ या पाँव जिसको बोलते हैं। बॉडी इज डिविजिबल इंटू हेड एंड ट्रंक, इनका जो शरीर है एक इनके सिर होता है और एक ट्रंक के अंदर थोरेसिक रीजन और एब्डोमिन रीजन, पेट वाला रीजन और जो चेस्ट वाला रीजन है वो दोनों एक ही मिलाते हैं, ट्रंक रीजन उसको बोला जाता है। टेल में भी प्रेजेंट इन सम, कुछ के अंदर जो टेल है वो पाई जाती है, वरना ज़्यादातर में एबसेंट ही होती है। स्किन इज मोइस्ट, जो इनकी त्वचा है वो नमी वाली होती है, लेकिन उस पर स्केल नहीं पाए जाते। आई विद आई लिड्स, आई के ऊपर कवरिंग भी होती हैं। टाइम्पेनम, कान का पर्दा बिल्कुल बाहर प्रेजेंट होता है इनका, और वही ईयर को रिप्रेजेंट करता है, वहीं से ईयर का इनका पता लगता है। एक इनमें क्लोइका पाया जाता है, क्लोइका क्या होता है, जिसके अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल है, खाद्य नली है, यूरिनरी जो यूरिन वाली नली होती है, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक जिसे गैमेट वगैरह बनते हैं, तो वो सारे एक ही चैम्बर में आके खुलती हैं और क्लोइका के जरिए ही वो बाहर निकलती हैं फिर। तो क्लोइका एक कॉमन चैम्बर बोला जाता है, कॉमन कक्ष होता है इनके शरीर में। रेस्पिरेशन बाय गिल्स, लंग्स एंड थ्रू स्किन, तो इनका जो रेस्पिरेशन है वो अलग अलग टाइप से पाया जाता है। गिल्स ये पानी में जब रहते हैं तो वहाँ पे गिल से सांस लेते हैं, स्थल पे ये लंग्स से सांस लेते हैं, और स्थल पे स्किन से भी सांस लेते हैं, त्वचा से भी सांस लेते हैं। थ्री चैम्बर्ड हार्ट, तीन कक्षीय हृदय पाया जाता है, जिसमें दो ओरिकल होते हैं और वन वेंट्रिकल। तो आगे हम जैसे बढ़ते जाएंगे तो फोर चैम्बर्ड हार्ट किसमें मिलेगा, बर्ड्स में और मैमल्स में मिलता है, जबकि रेप्टाइल्स में भी थ्री चैम्बर्ड हार्ट ही होता है क्रोकोडाइल को छोड़ के। सेक्सेज आर सेपरेट, जो इनके अंदर ऑर्गेनिजम्स हैं मेल और फीमेल अलग पाए जाते हैं। फर्टिलाइजेशन शरीर के बाहर होता है, ओविवाइरस ये अंडे देते हैं, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, यहाँ पे लार्वा बनता है। एग्जाम्पल आ जाते हैं इसमें बूफो, जिसको इंडियन टोड भी बोलते हैं, राना ये नॉर्मल मेंढक होता है, और इसमें हम जो डायग्राम देखें तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो डायग्राम है ये राना का है, ये बूफो इंडियन टोडिस को बोला जाता है, उसके बाद ये सेलेमेंड्रा है, और इस्तियोक्स लिम्बलेस एम्फीबिया, ये स्नेक जैसी जो स्ट्रक्चर है, स्नेक रेप्टाइल्स में आते हैं लेकिन ये एम्फीबिया में ही है, और ये ट्री फ्रॉग होता है, हाइला जिसको बोलते हैं, पेड़ पे चढ़ने वाला जो मेंढक होता है वो आता है इसमें। उसके बाद है रेप्टिलिया, तो जो हमारी फिफ्थ क्लास है ये, और रिपियर या रेप्टम का मतलब होता है टू क्रीप या कराल, जो जीव रेंग के चलते हैं वो इसमें आ जाते हैं, और ये जीव टेरिस्ट्रियल ही होते हैं, स्थल पे ही पाए जाते हैं। पोइकिलोथर्मस ये भी ठंडे ब्लडेड एनिमल माना जाता है, ठंडे रक्त वाले एनिमल जो कि अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं। क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, इसमें जो जीव हैं वो रेंग के चलते हैं, घुटनों के बल चलते हैं, जैसे क्रॉलिंग का मतलब जैसे बच्चा चलता है तो उसको भी उस टाइप की मूवमेंट भी इसमें पाई जाती है। बॉडी कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, जो शरीर है इनका वो किसे ढका होता है, जो इनकी त्वचा है वो सूखी होती है। कॉर्निफाइड का मतलब है एक जो नुकीली स्ट्रक्चर्स हैं वो पाई जाती हैं। एपिडर्मल स्केल्स, एपिडर्मिस पे कुछ स्केल या फिर स्क्यूट्स नाम की जो संरचना है वो इनमें स्पेशली मिलती है। टाइम्पेनम ईयर को रिप्रेजेंट करता है, मतलब जो इनका ईयर है वो कान का पर्दा है, वो डायरेक्ट बॉडी के जस्ट बाहर की तरफ लगा होता है, इनके एक्सटर्नल ईयर जैसे अपने जो बाहर ईयर हैं पीना जिसको बोलते हैं वो इनके अंदर नहीं होता। लिम्स वैन प्रेजेंट आर टू पेयर्स, जब भी इनके जो लिम्स हाथ या पैर होते हैं वो जोड़ों में प्रेजेंट होते हैं, दो जोड़ों में मिलते हैं। थ्री चैम्बर्ड हर्ट, जो हर्ट है वो तीन चैम्बर मिलता है इनमें, जैसे हमने डिस्कस किया था अभी, लेकिन क्रोकोडाइल में चार चैम्बर हर्ट पाया जाता है, चार सबसे एडवांस ही होते हैं। स्नेक्स एंड लिजार्ड सेट दियर स्केल्स एज स्किन कास्ट, जो स्नेक है और जो छिपकलियाँ हैं वो अपनी त्वचा है उसकी कवरिंग को टाइम टू टाइम छोड़ती रहती हैं, जिसको स्किन कास्ट बोलते हैं।
सेक्सेज आर सेपरेट, इनमें भी मेल और फीमेल सेपरेट ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, शरीर के अंदर ही इनका निषेचन होता है, अंडे देते हैं ये और डेवलपमेंट इनका डायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल आ जाते हैं इसमें चेलियोन, ये टर्टल होता है, टेस्टुडो टोर्टोइज होता है। टर्टल में टोर्टोइज में ये फर्क है, ये मैराइन होते हैं, ज्यादातर पानी में पाए जाते हैं, और इनके जो लिम्स हैं उनमें कोई नाखून वगैरह नहीं होते, लेकिन जो टोर्टोइज है ये टेरिस्ट्रियल फॉर्म ज्यादा पाई जाती है, ज्यादातर स्थल पे पाए जाते हैं, इनके नाखून मिलते हैं पाओ में। उसके बाद कैमलियन आ जाता है, ट्री लिजार्ड जिसको गिरगिट भी बोलते हैं। उसके बाद गार्डन लिजार्ड आ जाती है जिसको कैलोट्स बोलते हैं। क्रोकोडिल्स, क्रोकोडाइल आ जाते हैं। एलिगेटर, घड़ियाल जिसको बोलते हैं। और हेमिडक्टलस, छिपकली आ जाती है, वाल लिजार्ड जिसको बोला जाता है। उसके बाद स्नेक्स, जो सांप हैं वो भी इसमें आ जाते हैं। नाजा, जो कोबरा होता है, किंग कोबरा, उसका नाजा साइंटिफिक नाम है। और बेनगैरस, क्रेट और वाइपर, तो ये जितने भी स्नेक हैं ये सारे जहरीले स्नेक होते हैं। और ये जो नाम है ब्रैक्ट में इनके कॉमन नेम है, जबकि जो बाहर है इनके साइंटिफिक नाम है, जो इनको साइंस में यूज किए जाते हैं हर जगह, जो इनको लॉज इनको माना जाता है। उसके बाद है क्लास एउस, जिसमें पक्षी आ जाते हैं सारे बर्ड्स। प्रेजेंस ऑफ ईदर, इनके शरीर पे पंख मिलते हैं। मोस्ट कैन फ्लाई, ज्यादातर ये उड़ सकते हैं, लेकिन कुछ फ्लाइटलेस भी होते हैं, कुछ पक्षी ऐसे हैं जो उड़ नहीं सकते, जैसे ऑस्ट्रिच हो गया, शुतुरमुर्ग, और इनके पास चोंच पाई जाती है। जो इनके कॉमन करेक्टर है वो डिस्कस कर रहे हैं हम। फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, जो आगे वाले जो स्ट्रक्चर होती है इनकी लिम्स होते हैं वो पंखों में बदल जाते हैं। स्केल्स ऑन हाइंड लिम्स, जो पीछे वाले पांव होते हैं तो उनपे स्केल पाए जाते हैं। स्केल इनकी जो स्किन है उसको चिकना बनाते हैं, जो हाइंड लिम्स में जो भी स्किन होती है। और जो हाइंड लिम्स है इसका काम किसके लिए करते हैं, ये चलने के लिए, स्विंगिंग, स्विमिंग का मतलब तैरने के लिए, जैसे बत्तख होते हैं। क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेज, पेड़ की टहनियों को पकड़ने के लिए, जैसे पक्षी जब भी टहनी पे बैठता है तो उसके लिए वो टहनी है वो पकड़ता है, तो हाइंड लिम्ब से ही वो अपना जो स्पोर्ट है वो लेता है। एंडोस्केलेटन, ओसिफाइड बोन होती है, ओसिफाइड का मतलब जिसके अंदर एयर कैविटी जो हो, इनकी हड्डियों में हवा भरी होती है, जिसकी वजह से जो लॉन्ग बोन्स है आर होलो, और जो लंबी हड्डियां हैं वो अंदर से खोखली होती हैं, जिसको न्यूमैटिक बोन भी बोलते हैं। ओसिफाइड का मतलब जिसमें छिद्र होते हैं, जिसकी वजह से इनकी हड्डियां हैं वो हल्की रहती हैं, इनको उड़ने में ज्यादा वेट नहीं जरूरत होती, जिसकी वजह से इनकी हड्डियों में कुछ स्पेशल बनावट पाई जाती हैं। इनका जो हर्ट है वो फोर चैम्बर्ड होता है, चार कक्षीय हर्ट है। मैमल्स में और एव्स में मेनली चार चैम्बर्ड हर्ट ही पाए जाते हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, इनका जो रक्त है वो गर्म रहता है। गर्म क्यों? क्योंकि ये बॉडी टेम्परेचर को चेंज नहीं करते हैं, कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर इनका पाया जाता है, फिक्स बॉडी टेम्परेचर, जैसे ह्यूमन्स भी आ जाते हैं इसमें। रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स, जो फेफड़े हैं उनसे सांस लेते हैं। एयर सैक्स कनेक्टेड टू द लंग्स सप्लीमेंट रेस्पिरेशन, जो हवा की खाली जगहें होती हैं जैसे हड्डियों में प्रेजेंट होती हैं, तो वो भी लंग्स के साथ जुड़ी होती हैं डायरेक्ट, जिसकी वजह से जो सांस है वो डायरेक्ट इनका हड्डियों तक पहुंचता है, और वहां से हवा अलग अलग ऑर्गन में पहुंच जाती है। सेक्सेज सेपरेट होते हैं, मेल फीमेल सेपरेट ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, शरीर में अंदर जो इनका निषेचन है वो होता है, और ये ओविपेरस होते हैं। डेवलपमेंट इनकी डायरेक्ट होती है, कोई लार्वा यहाँ पे नहीं बनता। तो एग्जाम्पल क्या आ जाते हैं, कोरवस, क्रो को बोलते हैं साइंस में, कोलम्बा पिजन को बोला जाता है, सिटाकुला पैरट होता है, और स्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच होता है, स्तुरमुर्ग, पैवो पिकोक होते हैं, एटिनोडाइटिस पेंगुइन होता है, और नियोफ्रोन वल्चर होते हैं, जो गिद्ध जो कि ज्यादातर मांसाहारी होते हैं, मरे हुए जानवरों खाते हैं। तो ये सारे बर्ड्स की बहुत सारे और भी स्पीशीज होती हैं, और भी जीनस हैं, लेकिन हम कुछ सिलेक्टेड ही पढ़ रहे हैं ताकि इनका एक आइडिया लगे कि इनकी बीक होती है, फीदर्स होते हैं, और जो इनकी टांगे होती हैं उनमें काफी सारे स्केल्स पाए जाते हैं, जो कि इनको अलग अलग पर्पज में मदद करते हैं, वॉकिंग में, स्विमिंग में, या फिर क्लैस्पिंग ऑफ द ट्री ब्रांचेज, पेड़ की शाखाओं को पकड़ने में। उसके बाद जो लास्ट क्लास आ जाती है वो है क्लास मैमलिया, और मैमलिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर मैमरी ग्लैंड होती हैं जो कि मिल्क सिक्रेशन करती हैं, दूध का सिक्रेशन करती हैं।
फाउंड इन वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स, जो मैमलिया क्लास के ऑर्गेनिज्म हैं वो बहुत सारे विभिन्न जगहों पे पाए जाते हैं, जैसे पोलर आइस कैप्स जो बर्फ से ढकी हुई चोटियां हैं वहां पे मिल सकते हैं, डेजर्ट मरुस्थल में मिल सकते हैं, पहाड़ों में मिल सकते हैं, फॉरेस्ट जंगलों में मिल सकते हैं, ग्रासलैंड घास के मैदानों में, डार्क केव्स अंधेरी गुफाओं में मिलते हैं। सम अडेप्टेड टू फ्लाई, कुछ ऐसे होते हैं जो उड़ते भी हैं। अब ये नहीं कि उड़ने वाले सारे पक्षी होते हैं, चमगादड़ जो होता है बैट, वो हमारा क्लास मैमलिया में आते हैं क्योंकि उसके अंदर मैमरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। और कुछ ऐसे हैं जो वाटर में भी रहते हैं। अब वाटर में रहने वाली हर मछली नहीं होती, कुछ ऐसे मैमल्स हैं जो, जैसे डॉल्फिन है, वेल मछली है, ये मैमल्स में आते हैं। प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, तो इनके पास दूध पैदा करने वाली ग्रंथियां होती हैं, मेमरी ग्लैंड जिसको बोलते हैं, जो क्या करते हैं, जो ये यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं, जो नए जन्मे बच्चे हैं उनके पालन पोषण में यही दूध से उनकी मदद करते हैं। टू पेयर ऑफ लिम्स, इनके दो जोड़ी पाँव पाए जाते हैं, और इनके जो पाँव हैं वो किसके लिए बने होते हैं, वॉकिंग चलने के लिए, रनिंग दौड़ने के लिए, क्लाइंबिंग चढ़ने के लिए, जैसे पेड़ वगैरह पे, बोरोइंग बिल वगैरह बनाने के लिए, स्विमिंग तैरने के लिए, फ्लाइंग या उड़ने के लिए। हेयर्स होते हैं इनकी स्किन पे, ये भी सबसे मेन करेक्टर्स केवल मैमल्स का ही पाया जाता है। एक्सटर्नल ईयर पाया जाता है, बाहरी कान होता है जिसको पीना बोलते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, जबड़े में अलग अलग प्रकार के दांत पाए जाते हैं। फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है, हृदय के चार कक्ष पाए जाते हैं। होम्योथर्मस होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल हैं, और जो सांस हैं ये लंग्स के द्वारा लेते हैं। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन शरीर के अंदर होता है। विविपैरस होते हैं, ज्यादातर यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे प्लेटिपस, वो एग भी लाई करता है, देखेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में उसका भी जो पिक है। डायरेक्ट डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट है इसमें कोई लार्वा नहीं बनता है, जो ऑर्गेनिज्म जैसा एग से या फिर यंग वंस के रूप में बाहर निकलता है उसी के आगे डेवलपमेंट होती रहती है, कोई चेंज उसमें नहीं मिलेगा। तो ये एग्जाम्पल्स हैं, और एग्जाम्पल में सबसे पहला कंगारू है जिसको मैक्रोपस बोलते हैं, उसके बाद फ्लाइंग फॉक्स है, उसके बाद है कैमलस कैमल, उसके बाद मकाका मंकी आ जाता है इसमें, उसके बाद रैटस जो चूहा है वो, कैनस डॉग है, उसके बाद फ्लाइज फैलिज कैट आ जाती हैं, एलिफेस एलिफेंट आ जाता है, उसके बाद डॉल्फिन है, व्हेल मछली है वो आ जाती है, ब्लू व्हेल जिसको बोलते हैं, सबसे बड़ा जीव है जो धरती पे, उसके बाद प्लेटिपस है ये जो कि ओर्निथो राइकस होता है, प्लेटिपस बोलते हैं इसके, एगलिंग मैमल्स होता है, उसके बाद लियो लायन है, और हॉर्स आ जाता है, इक्वस इसको बोला जाता है, और उसको, और उसके बाद है टाइगर। तो ये सारे जो डिफरेंट टाइप के हम ऑर्गेनिजम्स अपनी सराउंडिंग में देखते हैं, तो ये सारे मैमल्स हैं, और सबसे एडवांस कैटेगरी यही है ऑर्गेनिजम्स की, और ह्यूमन भी इन्हीं के अंदर ही आता है। तो इस प्रकार से ये जो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो बायोडाइवर्सिटी हम जिसको बोल सकते हैं, वो चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। और इसमें हमने काफ़ी सारे प्रकार के प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, और दूसरे जो बैक्टीरिया वगैरह हैं वो भी हमने इसमें डिस्कस किए हैं। इसके अलावा कुछ वायरस और जो लाइकन और कुछ और भी ऐसे जीव आ जाते हैं जिनको किसी भी किंगडम में जगह नहीं मिली है, उनको सेपरेट ही पढ़ा जाता है। वायरस ऐसा जीव है जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कैटेगरी में रखा जाता है। बॉडी के अंदर जाता है तो लिविंग हो जाता है, बाहर वो नॉन लिविंग है, इसलिए उसको ट्रूली किसी भी किंगडम में नहीं जगह मिली है। इसी प्रकार से लाइकन में एल्गी भी पाई जाती है और फंजाई भी पाया जाता है। एल्गी हमने पढ़ा है प्लांट किंगडम में आता है, जबकि फंजाई किस में आता है, किंगडम फंजाई में। तो दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का भी कम्बिनेशन है, उसकी वजह से भी इनको सेपरेट ही पढ़ने को मिलता है। उसके बाद वायरोइड हैं, प्रायोन्स हैं, ये भी कुछ ऐसे जीव होते हैं, जीव तो नहीं बोलेंगे, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती हैं जो कुछ लिविंग मटेरियल के तरीके से बिहेव करती हैं। तो ऑर्गेनिज्म काफ़ी डिफरेंट टाइप के पाए जाते हैं। ये हमने एक जस्ट ओवरव्यू देखा है इनका, कितने सारे हमने, हालांकि क्लासेज फाइलम डिविजन्स काफ़ी सारे डिस्कस किए हैं, और इससे हम धरती पर पाए जाने वाले जो बहुत सारे प्रकार के जीव हैं उनकी एक डिफरेंट टाइप्स हैं, उनके जो स्ट्रक्चर हैं उनको समझ सकते हैं।